बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। हम इस वक्त मौजूद हैं हरबंसपुरा से मुलहका इलाके कलंदरपुरा में। हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अहले इलाका ने हमारी टीम से राबता किया। इनका कहना है कि यहाँ पर बहुत सी मुश्किलात हैं। गैस और बिजली के बिल तो आते हैं, लेकिन गैस और बिजली नहीं आती, पीने का साफ पानी नहीं है, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका है, गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, और आप देख सकते हैं कि सीवरेज का भी कितना नकारा सिस्टम है। और उनको मज़ीद किस परेशानी का सामना है, किन मुश्किलात में मुब्तला है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या मसले मसाइल हैं इलाके में, क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात ये है, पुत्र तीन तीन चार चार हज़ार दस दस हज़ार बिल आता। किस चीज़ का बिल? बिल्कुल ही नहीं आता। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं गैस आता। किसी वेल जो आता है पूरा, तो वो दो दिन चलता, बाद कह दें पानी पै गया, पानी नहीं गैसा च निकलता कर जाने, फिर उही हाल। ये पिछों आंदा वा तो गरीब की करन, किराया तो किराए देन या गैस बालन। ठीक है, कब से गैस नहीं आ रहे यहाँ पर? ये तो हिसाब ला लो कि पिछले रोजियां तो पहले यही हाल सी। वोटां ते दरमियान सही होया है, वोट नंगे ने, फिर उही हाल हो गया। अच्छा, वो जब इलेक्शंस हो रहे थे तब गैस आया है, रमजान के महीने का? हाँ, रमजान महीने भी कोई हाल नहीं, असी बाहर सिलंडर भरा भरा के असी हांडी रोटी की बच्चों के, रोजे सानू पता असी किसान रो रो के दवाए। किस तरह गुजार क्या? दो चार दिन हो गए ने, फिर असी सिलंडर भराने, थोड़ी जी गैस आँदी फिर बंद हो जाती जी सिलंडर भरा, रोज़ का 500 का गैस सानू बारे नहीं आता। आहो किराए तो धक्के खाने, दस दस हज़ार बिल ये भी देिए, गैस का देिए, कुछ बिजली के इन्ने इन्ने टैक्स आ जाते, कितों करे गरीब। तो किस तरह पे ये तो ज़्यादा खर्चा पड़ जाता होगा जब आप सिलेंडर में गैस भरवा के लाती हैं। कौन कमाता है आपके घर में, क्या काम करते हैं? पुत्र मेरा मियाँ वा, तो मैं किसी वाले दाई पुना कर दी, मैं होर की कर, यही है तो साढ़ा तो प्रॉब्लम, घर की रोटी भी नहीं पूरी होंगी। ठीक है, तो कैसे घर चला रही हैं? बस बड़े मुश्किल में। और क्या मुश्किल हैं यहाँ पर गैस के अलावा? गैस के अलावा कित पानी नहीं आता, पानी आ जाए तो बत्ती नहीं, बत्ती का खाना खराब हो जाता, यही हाल है। तो पानी की कोई टाइम कभी जे इमरान खान वो नहीं सही, हूँ इमरान खान हूँ नू लीक आ गए, वो भी नहीं सही, केड़ा सही है जरा वो बैठे तो जरा सही है, नू लीक तो पवे जरा घर बार सही हो हुकूमत साड़ी, हुकूमत उन्होंने कराओ जरा बंदा मजबूत आ, जरा बल्ला खेलता है नू लीक आए कोई फायदा ही नहीं गा। क्या लगता है आपको फिर कौन बेहतरी कर सकता है पाकिस्तान? यही असं ये आने कोई अच्छी हुकूमत करने वाला आए जरा सा मुल्क सवार दे। ठीक है, मैं खत्म ही देनी अल्लाह सुनिया यहो जहाँ हुक्मरान दे कि जेड़ा साढ़े पाकिस्तान अपना मजबूत करके रखे। सही है। ये बताएं कि जब इलेक्शन के दिन आते हैं तब तो रौनक लग जाती है हर जगह, जब इलेक्शन की मुहिम हो रही होती है उन दिनों? दरमियान गैस आया है, बिल्कुल आया है, बड़ा पाँच छः दिन आया है, जो तो इलेक्शन खत्म हो गए गैस फिर खराना खराब हो गया। तो आप कंप्लेन वगैरह करने गई हैं किसी? ना अभी गए हैं पोते दफ्तर भी, दो तीन बजे उन्होंने कहा वे दफ्तर जाओ, फिर मैं भाई को गई हाँ, फिर एवं कही साढ़ा गैस सही आया भाई ने, अब्दुल्ला बेग अल्लाह इन तंदुरुस्ती रहे, साढ़ा गैस सही कराया अब्दुल्ला भाई ने, अल्लाह इन हजाती रखे। हूँ थोड़े दिन हो गए फिर वो आखते हैं हुकूमत वाले जी पानी पै, पानी नहीं पैंदा, गैस आंदा। आपने उनसे पूछा नहीं कि इलेक्शन के दिनों में पानी नहीं पड़ा पाइपों में? क्या कहते पैप पै रहे ने, नवे पैन रिसीवर चलन गए फिर ता गैस सही हो जाएगा, जो पुराने गैस चलन डे ने उन्होंने पानी किस तरह पै सकता ये दस दे, या फिर रिसीवर नहीं सही, रिसीवर सही कराना है ना। कोई आता है चेक करने आया महकमे के लोगों में से, इंतजामिया के लोगों में? नहीं, कोई नहीं आता। ठीक है, यहाँ से भी कोई जीता होगा नून लीग का कोई एमएनए एमपी है? तंदुरुस्त है तो यही है, तो काम करने कोई नहीं आता फिर? नहीं आता, कोई भी नहीं आता। ठीक है, आप बताएं क्या मुश्किलात हैं इस इलाके में गैस के अलावा, और क्या क्या मुश्किल? गैस आती नहीं है, गैस की करिए आवाम आती है, सुनती नहीं आवाम, ऐसे ही आवाम आती है, कोई गरीब आम जो होती है बच्चे कमान निकले बच्चे है कहाँ से ले आके दे, बिल भी इतनी तरह के ना कम मकान का किराया भी इतना है, कहाँ से दे हम? ठीक है, कितना बिल आया आपका गैस का? बहुत ज़्यादा बिल आया है। और इससे पहले कितना बिल आता था और अब ज़्यादा आने लग गया? आता ही जाता है, कट होता ही नहीं है, जब जो उसे लेके जाते हैं कट करते ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से ले आए, बेवा भी है, किराया कितों दे सी, आप खुद मेहनत करते हैं। तो इस महंगाई के दौर में इतनी मुश्किल आता है, कैसे आप गुजारा कर रही हैं, गैस के बिल कैसे भर रही हैं? बस मेहनत करके कितों दे, बेवा है गी है, कोई सुनता भी नहीं है। कौन कमाता है आपके घर? आप खुद कमाते हैं। क्या करती हैं आप? घर आना काम करती है, घरों में जाके काम करती हैं, इस एज में आप घर में जाके काम करती हैं, बच्चे पालते हैं। ठीक है, घर चल जाता है आपका आसानी से? चलता नहीं, महंगाई इतनी है, कहाँ से चलाए, कोई देता भी है, कोई सुनता भी नहीं है।
गलियां भी देखी हमने काफी टूट फूट का। हाँ जी गलियां कोई सुनता नहीं है, गलियां इतनी इतनी शिकायतें लाई है, कोई शिकायत सुन के चल जाते हैं। ठीक है, मिलके आप औरतें गई हैं गैस की कंप्लेन? गई कई बार गए हैं, कोई सुनता नहीं है। किसके पास गए? इतने सारे दफ्तर गए हैं। क्या कहते हैं वो दफ्तर? आंदे आने कोई जाते नहीं है, कोई घूमत चज की आई नहीं है, जड़ी आँदी है अपने अपने स्वार्थ की है, घूमत खा जाते वाम को बिल वोट ले जाते हैं। कोई घूमत ऐसी होनी चाहिए जो वाम का सोचे, अमीर गरीबा का सोचे, वो घूमत सानू नहीं चाहिए, गए महंगाई करी जाए। गरीब कितने लिया कोठिया वाले तो लै आए तो असं कितों लियाइए, कोठिया वाले तो खा लेंगे है तो बच्चे छोटे कितों पालीए। घूमत आँदी जी वन सुन अपने सवार के गया, कोई इमरान खान आ गया, कोई नवाज शरीफ आ गया, बेनी जी आ गई, अपने झोलियाँ भरी जाते हैं, साडा तो कोई सोचती नहीं है। कितों लियाइए दसो, असं कितों सवारी, असं बच्चे कितों लिया दईए। आप खुद घरों में काम करती हैं, गैस के बिल, बिजली के बिल भी हैं, पानी के बिल, जाके पंजे जाके लख लख रुपया कलाउंदे, कितों दईए इन्ना बिल। घर आटा नहीं हुंदा, घर दाने नहीं हुंदे, कितों लिया देने बंदे, निगम महंगाई इन्नी है। दिमाग मेरा छोटा जिहा, दिमाग का कम नहीं है, वह भी मजबूर है, वह कितों लिया देवे, वह भी घर आसानी से नहीं चल पाता ना आपका। बहुत महंगाई है, इन्नी महंगाई है ना, इन्नी सुखात है, सारे कट्ठे होकर जाएगा, कोई सुनता ही नहीं है। गलती बार गए आप लोग? कितनी बार गए असं बरात गए, कुछ सुनता ही आंदे, दो मिनट चेक करने आते हैं, उसके बाद आंदा ही नहीं, मुड़ के बाद चेक करने। ठीक है, और अगर आ जाते हैं गलती से चेक करने तो फिर क्या बोल के चले जाते हैं? फिर असं आने करने तो सही करते हो, करते नहीं है, सुनते नहीं है वह। हाँ जी जी, आप बताएं। एक ला के फिर उसे कदी उधर कदी उधर, जोर लाते नहीं है, एक दिखावे ला जाते हैं, जो मतलब आते नहीं वापस। बिल जी क्या मुश्किल आता है? गैस नहीं आती, बिल आते ना, बिल आ रहा वा। कितना बिल आया आपने? साढ़ा 16,000 रुपया आया गैस का बिल। हाँ जी, पहले कितना आता था गैस का बिल आपका? 200-300-250 आंदा सीगा, 600 या 1000। हाँ जी पहले पहले इन्ना ही आंदा सी, हुण बहुत ज्यादा आंदे, गैस आंदा नहीं, बिल इन्ने आंदे आ। बेवा है, कोई कमाण वाले, एक बेटा वा, बेटी दी अजे शादी करनी आ, माशाल्लाह 5-6 बच्चे ने, ओदे 2 असियां, 6-7 जी असी घर दे, नहीं गुजारा हुंदा। कैसे फिर कर रही हैं गुजारा, किस तरह बच्चों को पाल रही हैं? मिलके ही कुछ घर बनाई दा अपना काम, कुछ बच्चा लै लू आंदा है। खाना कैसे बनाती हैं जब गैस ही नहीं आता? तो गैस नहीं आन दिया, कभी किसी वाल कभी लकड़ा बाल दे आ, तू वेंदे नाल वेखो जाके। तो इतनी गर्मी हो गई है, चलो सर्दियों में तो माना कि गैस नहीं आती, अब गर्मियों में भी यही हाल है, तो लकड़ियां जलाती हैं। कल इतनी गैस हुंदी सीगी, सांभी नहीं सी जांदी, तो हुण गैस ही नहीं आंदी। ठीक है, और अगर सिलेंडर भरवाया जाए तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा है। हाँ जी, वो महंगाई है। कितना लिया है पुत्र? मियां है नहीं गा, तो एक कमाण वाला है, तो 6-8-9 जी खाण वाले, मगर कढ़ाई का काम करता मेरा बेटा, मियाँ मेरा फौत हो गया, असं इन्ना बिल नहीं दे सकते। हाँ जी ठीक है, और क्या क्या इलाके की मुश्किलात है यहाँ पर गैस के? बस गैस, पानी, बत्ती, महंगा, कोई राशन नहीं सस्ता कर रहा, जो शहर कोई सहूलत है ही नहीं साढ़े वास्ते, सहूलत सानू वो चाहिए साढ़े वास्ते, राशन भी सस्ता कर, हर शायद बिल भी सस्ता कर, साढ़े को बेवा है, कितों बिल उतारीए, कितों बच्चे पालिए। कहती हैं हुकूमत को क्या कहना चाहती हैं, गवर्नमेंट को क्या कहती हैं? गवर्नमेंट अस यही कहने, साड़ी सास करे, ये ना आंग अपनी झोलियाँ भर के लै जन अपने अपने सवार, सानू ये साड़ी सास कर, सानू बिल ना इन्ना खिलाउण, कितों दईए असी, राशन सस्ता कर, महंगाई सस्ती कर, मकान के किराए सस्ते कर, कितों दईए असी। बिजली भी इतनी महंगी हो, बिजली भी इतनी जून तो मिटाई जाते हैं, बिल उतारी जाते, और मैं कोई माड़ा हों नहीं दे सकता, कौन दवे? किस लिए? बत्ती पाता सानू 1,00,000 रुपया, अच्छा। मुड़ के असि 50-60,000 रुपया 70 तारिया, मीटर फिर नहीं देन दे, ते हुण गैस मैं घर नहीं सी आ गई, गैस दा बिल बच्चे को तरिया नहीं, वो भी ला के लै गए, गैस का मीटर भी उतार दिए। हाँ जी, तो फिर आप कैसे घर चला रही हैं, खाना कैसे बना रही हैं? आओ कभी तेरे वाल कभी मेरे वाल, जिन्ना दे वाल गैस नहीं होंदा, लकड़ियां लिया के रखियां ने। ठीक है, लोगों के घर तो आप तब जाएंगे ना जब बाकियों के घर भी गैस आएगा, पूरे इलाके में गैस नहीं है, कितने अरसे से ये परेशानी है? थोड़ा कि चेर हो गया, 2 महीने 3 इस राउंड दे। ठीक है, रमजान फिर कैसे आपने गुजारा किया? बस इस तरह ही आती है, कभी पका ली कभी उस तरह ही। ठीक है, हाँ जी, सहरी पे आती थी गैस अफतारी? हल्की हल्की, उस वेले फिर बंद कर देंगे सी,
रोटी तवे तो पाई होंगी गैस बंद। ठीक है, इन्होंने बताया जैसे कि इलेक्शन के दौरान जब वो उनकी मुहिम चल रही होती है, वोट मांगने आते हैं, उस दौरान गैस आ रहा होता है। पूछा नहीं कैसे गैस नहीं आता है गैस, जरा कि खिलाता फिर उसका रोजे अभी बड़ी मुश्किल ना रखे है। चूल्हे के उत्ते रोटी पाई तो गैस खत्म, इस तरह होती रही तो फिर मजबूरी ने फिर। और इतनी महंगाई में बाहर से अफोर्ड करना तो बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल है क्या? बहुत। ठीक है, एक रोटी 15 रुपए की बहुत ही सानू तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि साडा मियां नहीं आया, कमाने वाला नहीं आया, आप मेहनत खुद करी दी है। जी क्या कह रही हैं? 60 रुपए रोटी, 50 रुपए रोटी दे रहे हैं, कितों ले आई है? ऐसे तो इन्हें के हालात मजबूर हो चुके हैं, अपने बच्चे को मार। कितनी रोटियां आपको 50 में मिलती हैं? है 5-4 रोटियां। अच्छा, हाँ जी ठीक है। 15 रुपए की एक रोटी है, 2-30 की पड़ गई, तो 4 रोटियां आप कह रही हैं 60 की मिलती हैं? हाँ जी ठीक है। तो रोज कौन ले आवे जी? माड़ा बंदा तो नहीं ना ले आ सकता, 6-7 खाना बच्चों का। तो अस्सलाम वालेकुम आके खान नूनी घूमता है, नूनी के भी ऐसे कह रही है, इमरान खान आए थे भी ऐसे ही, इमरान खान ने कुछ नहीं किया। किससे उम्मीद है आपको, कौन सी हुकूमत थोड़ी बेहतरी की तरफ जा सकती है? अच्छी हुकूमत है जी, साड़ी सोचे ये ना अपने घर नु ले जान, सानु लुट लो सा अपने घर ले जान। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बुनियादी तौर पे क्या मुश्किलात हैं गैस के अलावा? जो भैन कह रही है वो मुश्किल साड़ी है, सारे गैस दी, पानी दी, बत्ती दी, यो मुश्किल सारे नु आ, ये हल होना चाहिए। सर मतलब आप लोग जाते नहीं हैं कहीं कंप्लेन करने किसी दफ्तर में इंतजामिया के? दफ्तर जाते हैं, वाटर भी जाते हैं, इतने सुई गैस भी जाते हैं, वो हाल नहीं होता। आते हैं कोई महकमे के लोग? कभी आना कभी आना ही कोई नहीं, कभी गैस आती कभी आती नहीं। किस तरह मैनेज करते हैं और यहाँ पर क्या मुश्किल? कोई सिलेंडर भरा लिया है, कोई अग बाल लिया है, कोई जिसे को वसायल है वो बाजारों में लाया होता है। जिदे को एक्स्ट्रा खर्चों में आ गए, जिदे को वसायल नहीं हो गए, उन्हें से फिर घर ही कोई माड़ा चंगा काम करना है, रोटी पानी का, जो बच्चे ज़्यादा होए, जिदे 2-4 एक अद्धा चीज़ होया वो बाजारों में लिया के गुजारा कर सकते हैं, जिदे फैमिली ज़्यादा हुई वो बाजारों नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन महंगाई का ऐसा दौर चल रहा है, मुझे नहीं लगता है शायद किसी भी इंसान के लिए, गरीब आवाम के लिए बाहर से खाना लाना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल। हाँ जी मुश्किल है। और जो गैस को भरवाने का है जो मुश्किल है सिलेंडर में, हाँ जी, फिर किस तरह गुजारा होगा? बस गुजारा कर नहीं, दुनिया की करे फिर। हाँ जी सही है। यहाँ पर कोई मतलब जो उम्मीदवार जीते हैं क्या वो आते हैं इलेक्शन के बाद? कभी चेक करके गए हैं इलाके की? क्या नहीं आया कोई, कोई बंदा नहीं आया। ठीक है, कब से नहीं आया कोई भी? इलेक्शन आने बाद कोई भी नहीं आता। हाँ जी, आप लोगों ने वोट किसको कास्ट किया? बात नवाज शरीफ को। ठीक है, तो नवाज शरीफ को वोट कास्ट किया, उसकी हुकूमत भी आ गई है नून लीग की, लेकिन फिर भी नहीं कोई नहीं। क्यों, क्या लगता है आपको कौन बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को लेके जा सकता है? साढ़े वास्ते तो बेग हिसाब ने सारे ना तुरे फिरते ने, ये करते फिरते सब कुछ, वो को नहीं आते असं को जाने अगे जाते हैं, फिर उन्होंने भी सुनते हैं कि नहीं सुनते बेचारे के। सही है। हाँ जी ठीक है। बिजली गैस और पानी के अलावा इलाके की और क्या क्या मुश्किलात हैं? गलियों जानो फिर गलियां भी टूटी सारी, कब से ये गलियां जो है टूट फूट गई? गलियां तो कई शहर हो गया बनिया, कब से, कब लास्ट टाइम ये गली बनी थी? कितने चिर हो गया गली बनी? गली बनी नहीं है, आते कितने साल हो गए? 4-5 साल से हो गए, और उसके बाद मतलब कोई भी नहीं आया, तो जरा सी बारिश से तो यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल, पानी खिलो जाता, पानी खिलो जाता, गटर बंद हो जाते, पानी खिलो जाना। फिर क्या करते हैं आप लोग, कैसे जाते हैं नमाज पढ़ने, बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे जाते हैं तो कटो पुट लेंदियां ने, तो पानी बच्चे वर जाता है, जगह सुक जाती है, फिर बच्चे चले जाते हैं। ये तारा दे देखो कैमरा मारो किमें तारा रमकनियाँ तोड़ तिकर, इन्हों का भी खतरा रहता है बच्चे। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि इनकी गली भी कैसे टूट फूट का शिकार है, तकरीबन 5 से 6 साल का अर्जा गुजर से ज़्यादा अर्सा गुजर जाने के बाद भी ये गली अभी तक ऐसी है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे के लटकती हुई तारे हैं इसमें, जो बच्चों के लिए भाई मतलब उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, ख़तरा बन सकती हैं। मज़ीद और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या मुश्किल चल रही हैं, कितने परेशान? गैस नहीं है, ये गैस आई है, पानी नहीं है, पानी आता बत्ती नहीं है, और इन्होंने कोई मसला नहीं। वोटा अच्छा वोटा गैस सही रही है, वोट जिन्हें जिक्र नहीं ना इन्होंने लाए, उन्होंने जिक्र बिल्कुल सही रही है गैस, बिल हूँ आ रहा जी इस वे
किसी नूं 3000 किसी नूं 6000 अगे सानूं आउंदा है बिल सिर्फ 200 300 गैस का बिल कह रहे हैं। हाँ गैस का बिजली, हाँ बिजली का भी हूँ तो उन्हें चुके हैं ना बिजली का। और अब कितना आया गैस का बिल? अगे एलजी आया 1600 16000 रुपया। इतना बिल कैसे देंगे, कहाँ से लाएंगे इतने? नहीं लिया हमारे नहीं जा रहा है, बड़ी गर्म से मीटर ला के ले जाएंगे। क्या करते हैं आप लोग? फिर दोबारा आएंगे फिर मिल गिल के। क्या आप कोई काम करते हैं? क्या काम करते हैं? बस स्टेशन से चाहिए भांडे छांडे धोईदे ने। दिहाड़ी लग जाती है? कितनी दिहाड़ी लग जाती है? 600-700 रुपया। उसमें तो गुजारा नहीं होता, 600-700 तो शायद रोज के लिए भी बहुत ज़्यादा कम है पैसे। काम है जो फिर हम की करिए, और समय को होता नहीं, कोई टोकरी नहीं ढोन होती, कोई नहीं होता। घर में कौन कौन है आपके? बस मैं हूं, एक मेरा बेटा है। तो बेटे को पढ़ाते हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ। कितना मुश्किल है आपके लिए गुजारा करना? करीदा किसी वे थोड़े को मांगा तो को मांग वक्त पा लिया बिल फिर तार ले फिर दे छड़े थोड़े थोड़े करके। नहीं पहले इन्होंने बंदा पूछे हुकूमत न अब्बल तो सुनता ही कोई नहीं, माड़े बंदे कोई नहीं सुनता। क्या आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं भी बिल कटाओ, गैस तोड़ो, और असी सारा जो है गलियां पट्टियां तारा वेखो सारे यही हाल है ना, कोई कूड़ा चुकने वाला आता। सर कोई इंतजामिया के लोग नहीं आते, आप लोग जाते भी नहीं हैं कंप्लेन के लिए, क्या होता है? एक कल्ले बंदा की करे, दो चार जाइए, अच्छा वो फलाने दफ्तर जाओ, मार रोड से जाओ, हाँ पैसे है नहीं साढ़े को किराए, जे असी जाइए जे किराए हो घर ना बैग खा लेगी ये हिसाब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे गुजारा कर रहे हैं, इतनी मुश्किलात हैं यहाँ पर? बहुत औखे हो रहे हैं, इतने 3-4 परेशानियां ने, पानी इतने गंदा आता है, वो असी अब्दुल्ला बेग को जाने सा, उसकी मेहरबानी सी वो साड़ी सुनता सी। फिर इस इलाके च बत्ती की बड़ी मसला सी, एक ट्रांसफार्म लवाया वो भी चोरी हो गया, ठीक है, वो 6 महीने तो बाद वो ट्रांसफार्म दोबारा नहीं लगा, पता नहीं चला किसने चोरी किया, कोई पता नहीं लगा। तो हुण इत्थे गैस की बहुत मुश्किल, बड़े परेशान ने लोग, मजबूर ने, लेकिन वक्त नहीं पास हो रहा। असीं उहदे कोल जाने सां, उहदे तरला मारने सां, साड़ी सुनता सी, लेकिन आज 10-12 दिन हो गए ने असीं उहदे कोल गए, उहने आखिया जी मेरे मगर बंदे चढ़े नून लीक दे, उन्होंने कहा जनाब असीं ये जिहड़ा तुसीं काम करदे जिन्हां सानूं दिओ ये असीं करना है, ना वो करदे ने, ये बेचारा पिछा हट गया है, हुण असीं किहनूं जाके कहीए समय लगी। ए लोग बड़े परेशान ने, कच्चियां आबादियां ने, ना कोई गैस ना कोई बिजली, समय बड़ी परेशानी है। सर गैस तो एक मेन इशू है, फिर किस तरह घर में चूल्हा जलता है, कहाँ से खाते हैं, क्या करते हैं? लोगों ने करना ही है ना, कोई बालन बालता है, कोई गैस बालता है, मजबूरी है ना, की करिए, कोई बाजारों ले आता है, लेकिन इतने बहुत परेशानी हुई भी है। लेकिन इस महंगाई के दौर में बाहर से अफोर्ड करना भी तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल अर्गी मुश्किल है, सिलेंडर भरवाने घर रोटी खाने नहीं हैगी, लोग बहुत मजबूर हो पे ने, लेकिन कोई सुनने वाला कोई सुने तो फिर किसी ने कोई दसे ना। आते हैं चेकिंग के लिए और कहते हैं पानी भर गया है। हाँ पानी भर गया, लेकिन कोई नहीं आन के इन्हां नूं खताई करता, कोई नहीं आन के वेंदा, कोई नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, बहुत ही परेशान ने लोग, इस आबादी दे लोग बहुत परेशान हुए। आपने उनसे पूछा है कि अगर पानी भर गया तो इस पानी को निकालना किसने है, गैस के पाइपों से? उत्थे जाईदा जी, तुसीं घर चलो तो असीं लेबर भेज दें, असीं खोल दें तो कर दें, कोई आदमी नहीं। अब्दुल्ला बेग की मेहरबानी है, ये साड़ी इस कच्ची आबादी की माड़े बंदियां की सुनदा है, लेकिन लोग उहदे वी मोरी चढ़ गए ने कि तू अगे हो के काम करवाउंदे आ, क्यों करवाउंदे आ, हुकूमत साडी है नून लीग की, उहदे कोल असीं 5-4 दिन होए गए आ, उहने इहो जी मेरे तो मगर बंदे चढ़ गए ने, लिहाजा तुसीं उहनां नून लीग वालिआं नूं कहो, नून लीग वालिआं नूं किवें कहीए, उह तां साडी आ, सुणदा ही कोई नहीं, ये तो इहदी मेहरबानी सी। हुकूमत में आने से पहले तो बड़े बड़े दावे किए थे, दावे तो करदे ने लेकिन पूरे उतरन दे फेरे ना, उह तो सारे कहिंदे सारा कुछ होवेगा। इत्थे तो बहुत परेशानी है, पानी गंदा आंदा है, गैस वो नहीं आती, बिजली है तो आखो गलिया का हाल, एक ट्रांसफार्म से इन्नी क आबादी हुई पी है, वो हम दिल करे दिहाड़ी चा डंग खराब हो जाए तो मुड़ के 2-2 4-4 दिन बत्ती नहीं आनी। आप पानी गंदे की बात करें, नलकों में पानी गंदा आता है? हाँ बहुत गंदा आता है, रात को 9 बजे तो बाद पानी नहीं आता,
सुबह 7 बजे पानी बंद हो गया। ठीक है, हाँ जी, गैस नहीं है। बच्चों को कैसे खिलाती हैं, कहाँ से पकाती हैं? अभी दिहाड़ीदार बंदे हैं तो दिहाड़ी इधर नू लाइए, गैस ते लाइए के उन्हें ढेड़ च पाइए, केड़ी शै करिए। वो तो साढ़े को कुछ भी नहीं होंगे बाजे वाले, अं सड़कों तो उतरिया लकड़ियाँ चुन चुन के लिया के बच्चों को रोटी पका के देने। अं की करिए, अं उस तरह आते आवा तो आव है, नून लीक को जाओ तो उतने कोई नहीं सुनता, दूजे को जाओ को नहीं सुनता, तीजे को जाओ जेड़ा सुनता वह लागे नहीं साढ़े लगन देंगे। सही है, तो फिर कैसे आप खाना वगैरह पका रहे हैं? फिर हूँ ढेड तो दोजकन भरना ही भरना है, भावें अं मंग के खवाइए भावें जो मर्जी करिए, हूँ अं इतने उन्होंने लागे नहीं लगन देंगे, हूँ अं कि अगे जाके रोइए, सानू भी दोबारा दसा ना प्यास अगे रोवो है। माँ जी, आप लोग गए हैं कंप्लेन के लिए, उन्होंने आपको कह के टाल दिया कि आप लोग चले हम आ रहे हैं? आख्या तो ही जाओ, अही आने। फिर आया कोई पीछे चेक करने? आज तक कोई आया ही नहीं, 7 साल तो आ गली बनी है तो अज तक कोई वड़िया ही नहीं, किसी ने पानी नहीं चलिया कढ़ाया। उन्हें आख्या की अज नहीं साडा ये काम ही नहीं, जो वोट लाने उदो काम होंदा है। गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम देना चाहते? पैगाम यो भी जो सा बत्ती नहीं आती, तेरे पानी गंदे आ गैस नहीं आन डे, साडा भी कोई सहूलत धक्के ना कि निरी अपनी सहूलत धक्की जानी, सो अपनी सहूलत ना धक्के, हर बंदा खा के सौंदा वा, ये तो नहीं सौंदा है तो अं वो को जाके बह जाइए। वीर इस तरह साढ़े बच्चे भुखे बैठे तो वो आखे था तुम करो वक्त वायदा जिमें भी होंगे। ठीक है, अहले इलाका का यही कहना था कि गैस बिजली पानी यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, इसके अलावा यहाँ की ही सड़क बने हुए, इस गली को बने हुए तकरीबन 7 से 8 साल गुजर चुके हैं और अब ये गली टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको और भी मुश्किल आते हैं, तारें लटक रही हैं और मतलब क्या किस तरह ये गुजारा कर रहे हैं। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक, मज़ीद कुछ और अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। क्या मुश्किलात हैं गैस की, क्या मुश्किलात हैं, आती है नहीं आती? इलाके में पूरे 7 माह हो गए हैं, इसी तरह कभी आती है कभी नहीं आती, ठीक है ना, उसमें पानी भर जाता है, ठीक है ना, पैपों में। जब भी हम जाते हैं, कंप्लेन भी की है उधर से गैस वाले दफ्तर में, कोई भी उधर से नहीं आया। 7-8 माह हो गए हैं आपने बताया है, तो आप कंप्लेन के लिए गए महकमे से, इंतजामिया के कोई लोग नहीं आए? सारे अपने मोहल्ले के बिल इकट्ठे करके एक भाई को दे के आए थे कि ये हमारे जो कंप्लेन है आगे से पहुंच जाए, उन्होंने कोई भी नहीं आया, ठीक है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मेरे शौहर भी दुनिया से जा चुके हैं, मेरे 2 बेटे हैं, आपको पता 200 रुपये का रोजाना का खर्चा सिलेंडर का है, तो हम किसी के घर भी नहीं जा सकते, लकड़ियाँ भी छोटा घर नहीं जला सकते, मजबूरी है हमारी, मेहरबानी गवर्नमेंट से कि हमारी पील है, ठीक है। 7 या 8 माह से पहले गैस आ रहा था? पहले आ रहा था, आता या पानी गंदा भर जाता पैपों में, अच्छा, बाद में गैस नहीं आता, ठीक है। आपको ये किसने बताया कि पानी पाइपों में भर गया है गंदा? हमने खुद नहीं दाखिल, वो जो है ना मीटर उसको ले आके मैंने, वो जो होता नहीं गैस वाला भाई, मैंने उससे की मिन्नत की कि भाई हमारा जो मीटर है खोल दे, फिर उसने हमसे पैसे लिए हैं, पैसे लिए हैं, फिर हमने उससे निंदा काम करवा के तो फिर हमारा गैस आने शुरू हो गया, उन बार बार हम कितने पैसे दें, ठीक है। तो रमज़ान के महीने भी महीना बीच में आया है, महीने में आता रहा है, ठीक है, तो तब गैस के पाइपों में पानी नहीं आया, यही तो मसला है कि पीछे से क्या मसला, ये बंद कर देते हैं, कभी कहते हैं ये पानी आ जाता है, एक महल में आता, हमारे महल में आता ही नहीं, तो मेहरबानी है आपकी गवर्नमेंट की कि हमारे साथ ताउन करें। गैस के अलावा बताएं आप यहाँ और क्या क्या मुश्किल आते हैं? मुश्किल यही है, लाइट की मसला है कि देखो बिजली नहीं आती, बिजली गैस के फिर बिजली आती है कभी कभी हो जाता है, बिजली हमारी आती है, झूठ नहीं हम बोल सकते, ठीक है ना, ये महंगी हो गई है, ये टेंशन है कि जब इलेक्शन हो जाता है सारे इकट्ठे होकर हमारे पास आ जाते हैं, सब हमारी बात सुनते हैं, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है हमारे पास कोई आता ही नहीं, हम इंतज़ार करते रहते हैं साल पूरा। आपने बताया आपके शौहर नहीं है, आपके 2 बच्चे हैं, काम करते हैं? 3 बेटे हैं, एक बढ़ता है, 2 काम करते हैं। काम क्या करते हैं? वो इधर करते हैं स्पेयर पार्ट का काम करते हैं ब्रांच रोड। कितना मतलब रोज की कितनी दिहाड़ी लग जाती होगी उनकी, या कितना ही बचत करके लेके आ जाते हैं? महीने बाद उनका 30,000 रुपये दोनों का बनता है, दोनों का मिला के 30,000, और इतने ही गैस के बिल आ जाते हैं आप बिलों में ही? आप ना कि हम बिल पे करना है,
राशन हम दुकान से दाल भी ले लेते, क्या करें, खाना तो है ना, बच्चों को खिला के नहीं भेजेंगे वो कैसे काम करेंगे। 30,000 चार लोगों के लिए, चार लोग घर में मौजूद और घर चलाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। बीच में आप जो है दो वो भी साथ काम पढ़ रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, हम सारे इकट्ठे मिल के घर को चला रहे हैं। शुक्र अल्लाह की, जितना भी हम शुक्र अदा करें अल्लाह का उतना काम है। वैसे बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा कि ये वापटाल ऐसी हमारी पील है कि ये जो अभी 7 रुपये जुंड रात का वो जो और बढ़ गया बिजली के, हाँ बिजली का, ये मेहरबानी है आपकी गवर्नमेंट से। आप क्या लगता है आपको कौन सी हुकूमत है वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जा सकता है पाकिस्तान, अगर वो हुकूमत? हम ये कहते हैं हुकूमत जौन सी मर्जी आ जाए, ठीक है ना, हालात ठीक हो जाएं, आवाम को रिलीफ दें, ठीक है ना। ये नहीं कि हम ये नवाज शरीफ आ जाए या पीपल पार्टी आ जाए, हमें कोई टेंशन नहीं हुकूमत से। अच्छा इंसान हमारा जो है ना, जो भी आने वाला वक्त है वो अच्छा गुजर जाए, ठीक है जी। माँ जी यहाँ पर गैस नहीं आती है, किस तरह घर में चूल्हा जल रहा है, किस तरह रोटी बन रही है, कैसे खाना? गल सुन बेटा, ये गैस पर आइए कि आटा लिया ये कि हांडी ले आइए की करियो, इन्नी आमदन नहीं हैगी जिन्नी के अखराज आ गए हैं। जो बालन बालिए तो निका जा घर उस बालन नहीं बलना, नहीं ना बलना, नाले अखानियाँ कर लगे बालन बाल बाल के, तो साड़ी गली असलों नहीं आगे। नहीं 5-4 माह 8 महीने हो गए साड़ी गली आई नहीं, गलिया पानी गंदा गंदा पानी कढ़ाया फिर नहीं आती, हूँ तो महीना हो गया उक्की नहीं आती, सारिया गलिया पुत आँदी है, साड़िया गलिया आँदी नहीं, तो रोटी पकाई के हांडी लियाइए कि आटा लियाइए, तुम पता है हैं कि रोटी 15 रुपये की हो गई है। आहो कि सिलेंडर बल गए, पेट तो नहीं भरता फिर अगर बाहर से खाना आता है ना, पुत बस इनिया इन, ठीक है। बताएं गैस के अलावा क्या क्या मुश्किलात हैं? मुश्किल ये हुई कि सिलेंडर पाई दा नहीं वारे च नहीं आंदा है, मेहनत मजदूरी बंदे करते हैं, गली गली फिरते हैं, गली गली फिरते हैं, तो फिर अगों अजरा दास इन्ने होंगे ने तो खर्चा पूरा नहीं होंदा, तो सिलेंडर बुरा पालने किसी टाइम सिलेंडर पालना किसी टाइम बुरा पाल लेना, साढ़े तो यह गली बच्चे आंदा ही नहीं। सिलेंडर तो एक एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, ये तो मतलब पैसे ही जाया करने वाले, जाया ही करने वाले, लेकिन पेट भी तो अपना भरना वा, तो सिलेंडर वारा भी नहीं, 4G आ जाए, 4G आ जाए सिलेंडर किलो तो वारा ही नहीं खाती है। इतना बच्चों को आप खाना खिलाती हैं, रोटी कैसे बनाओ? मुश्किल हो जाता है, किसी टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं लेट भी हो जाते हैं, किसी टाइम भुखे चले जाते हैं, बस है मसला, होर कोई टेंशन सिर्फ ऐसे गली से है, बस गैस की टेंशन है। क्या कोई टाइम लिमिट है क्या जिस टाइम नहीं है? कोई टाइम नहीं आँदी, नहीं टाइम कितों होना है, आँदी नहीं है, 24 घंटे ही नहीं आती, आँदी नहीं साढ़े आँदी नहीं। और बिल, बिल जो उन्जो आन दिया वा इन्होंने बिल दे देते हैं, बिल तो फिर तारना ही नहीं। पहले जब गैस आती थी पहले की नस्बत और अब की नस्बत देखा जाए तो बिल में कितना फर्क? हाँ तो 8-9 महीने हो गए ना बिल इन्ना आन दिया वा तो गैस आँदी नहीं, हाँ गैस तो बहुत ज़्यादा आंदा, तो होर कोई मसला नहीं, बस गैस की मसला, होर गैस वास्ते मसला कितना, ठीक है। गैस और पानी का मसला आप बता रही हैं, ये बताएं कि और क्या क्या यहाँ पर मुश्किल हैं सफाई सुथराई को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर? भाई ये कूड़ा आप सुटन जाओ, जमादार आते उन्होंने पैसे दो, हुकूमत को जमादार पैसे नहीं लेंदे, गंदगी इन्नी होंगी आ बुरा हाल ना, कोई सड़क जो सड़क बन गई कभी किसी ने पुट दी, कभी किसी ने पानी वाले ने पुटतियाँ, ए पैप पा रहे ये पैप चलने कदों आ ये भी नहीं पता, हूँ किसी के पैप गलिया पाए किसी के हाली हूँ पा रहे ने, गैस जो तो चलना नहीं पैप पाँव का फायदा की? कई कह रहे नहीं साढ़े रिसीवर चलन लग पे ने, साढ़े सही गैस आने जिन्हों का आंदा ही नहीं गैस, तेन तो अगे दस किराए तो बच्चे असं किराया भरीए बच्चे पालिए कितने जाइए, रोटी भी मुश्किल कमाई जाती, 500 रुपया दिहाड़ी एक बच्चे एनर्जी सीवर काम करते बच्चे मेरे, 500 तो बाद दिहाड़ी नहीं देंगे, जे हालत से काम करते 1,000 रुपया सुबह तो लैके तो रात को 12-1 बजे आना, तो फिर 1,000 दिहाड़ी वह 1,000 आदि लग जाता, कोई पुत्र खरा जा तो कोई बीमार हो जाए कोई बीमार हो जाए वो भी फिर लग जाते ने, किस तरह ये आ भी सानू ये मुश्किल गैस सही आवे मुल्क जरा ना असी इन अच्छा हो हुक्मरान हो जरा हुकूमत सही करे, अही बल्ले खेडन वाले असी मैं 10 साल हो गए मैं कभी किसी ने वोट नहीं पाए, पावे बेनती के पैसे आते हैं मैं उन्होंने लाजमी करनी, क्योंकि मेरे प्यो जरा सी ना फौजी से वो भट्टो के दौर से जंगी कैदी हो गया, उन्हें कहा कि मेरी हमशीरा है वोट उन्होंने पाना, मैं पैसे खानी अलहमदुल्ला बेनती के पैसे मिलते सन, वो हूँ मेरे बंद हो गए ने मैंने मिलते सन, मैं वोट बेनती देनी मैं होर कभी किसी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं गैस
कैश नहीं आ रहा। किस तरह रोटी पका रही हैं फिर? खाना कैसे खा रही हैं? ये घर कहने रखना बालियां दो, मैं कली हाँ, मेरा पति फिर तो कोई नहीं, कमाने वाला कोई नहीं। अच्छा, कैसे फिर चला रही हैं घर, कैसे क्या कहाँ से खा रही हैं? बस अल्लाह दे रहा। ठीक है, रहती कहाँ है? रहती कहाँ है आप, कहाँ है घर? ठीक है, घर आपका अपना है? अपना। ठीक है, ये बताएं कि बिजली का बिल भी आता होगा घर में, गैस का बिल भी आता? आता। तो फिर कैसे देती हैं? बस किसी नूं कहे तो ले ली दा। अच्छा, ऐदा ही है एना एना सारे नूं मेरा पहला आदा पता। अच्छा, हाँ जी, मैं झूठ नहीं मारदी। ठीक है, मैनू बिल आउंदा पानी दा 170 रुपये, हुण भी अपना गैस दा आया 500, 600 ते 70 रुपये। गैस आउण नहीं दी, बिल आ रहा है और गैस नहीं? हाँ, गैस नहीं आ रहा, बिल आ रहा। ठीक है, तो कहाँ से आपने फिर बिल दिया? आप बता रही हैं कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं, कोई नहीं गा, इन्हें पता सारे, मैं झूठ नहीं मार दी। हाँ, ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ मर्द हज़रात भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। सर, और बुनियादी तौर पर क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर? सारी गैस नहीं आ रही, अरे तो वीडियो दिखा दें, वहाँ भी नहीं आ रही है ना लिए। हाँ जी, तो वो तुम देख सकते हो, असं बहुत मजबूर होते हैं, असं अपने खर्चे तो अलावा एडे मजबूर, बिल तो आ रही है कि जाए बाहरों गैस भरा के लैके आइए, तो लिहाजा इन्हें कोई मेहरबानी कर। हाँ, आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रही गैस, दिखाएं। चलें, ठीक है। नाज़रीन, ये हमें अपने साथ लेके जा रहे हैं, ये हमें दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर गैस नहीं आ रही, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये गैस का मतलब इनकी मेन पाइपलाइन है जी। कोई नहीं आ रही, आपकी मेहरबानी है, कोई हमारा सामान करें, बहुत बिल ज़्यादा आता है। हाँ जी, क्या आप देख सकते हैं गैस भी नहीं है, हवा तक नहीं है यहाँ पर, ये इन्होंने पाइप पूरा हमें खोल के दिखाया, ये इनकी मेन पाइपलाइन है जी, नहीं आ रही। तो फिर किस तरह आप बाहर से ला रहे हैं रोटी खाना, क्या कर रहे हैं? बाहर से। अच्छा। हाँ जी, बहुत मुश्किल है, दिहाड़ीदार बंदे, दिहाड़ी लग गई, ठीक है, नहीं देना। कितनी दिहाड़ी आपकी लग जाती है? 400-500 रुपया। कैसे आप चला रहे हैं? बहुत औखा काम है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, ये बताएं कि आप बाहर से जब लाते हैं खाना, अब बाहर से आप ला रहे हैं चीज़ें, और ये सिलेंडर बाहर से भरवा रहे हैं, तो 400 में तो नहीं गुजारा? बहुत औखा है जी, बहुत औखा है। हम फेरी का काम करते हैं, जो कभी लग जाती कभी नहीं लग जाती। ठीक है सर, जब वोट होते हैं, जब इलेक्शन चल रहे होते हैं, तब तो बहुत रौनक देखने में आती है, आप देख रहे होते हैं, उसके बाद एकदम सन्नाटे पड़ जाते हैं। कोई नुमाइंदा, कोई किसी का कुछ हाल नहीं पूछता आके। इधर सीवरेज का मसला है, सीवरेज का ढक्कन उठा लें, फुल भरे हुए हैं, कोई सफाई वाला नहीं आता यहाँ। पानी मैं ला के देता हूँ आपको इस नलके का, आप देखेंगे पानी पीने के काबिल नहीं है। फिल्टर से ला के पानी पीते भी हैं और हांडियों में रोटी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कितनी दूर है यहाँ पर फिल्टर? फिल्टर इधर से वो पीछे है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है फिल्टर भी। पानी फिर आप इतनी दूर से उठा के लाते हैं, लिमिटेड पानी ही आता होगा? हाँ जी, लिमिटेड उधर आते हैं पानी है। तो गैस का मसला है कि बिल आते हैं, गैस नहीं आते। मजदूर तबका है, सिलेंडर बनाएँ या अपने घर का और कोई मसला मसाइल हल करें। ठीक है, हमारी यही दरख्वास्त है मरियम नवाज से कि इस इलाके में कुछ सोचें, इस इलाके के मतलब कुछ सोचें। जब वोट लेने होते हैं तो इनके नुमाइंदे आते हैं, तो अब इलेक्शन का वक्त निकल चुका है, तो अब क्या बात है, हमारी बात नहीं सुनी जाती। ठीक है, इनको यही अपील है कि ये हमारी बात को सुने, ये गरीब तबका है, ये परेशान है, ठीक है, तो हमारी बात को सुने, यही रिक्वेस्ट है आपकी। सही है, सीवरेज आपने बताया, सीवरेज का भी नकारा यहाँ पर निज़ाम है। कितने अरसे पहले यहाँ पर गटर साफ़ करने वाले आए हैं सब? कितने अरसे पहले गटरों की सफाई हुई है? गटर साफ उस दरमियान हुई है जिस दरमियान इलेक्शन हुए हैं। अच्छा। उसके बाद अभी तक आप किसी गली मोहल्ले में देख लें कोई गटर की आपको गार वगैरह कोई कचरा वगैरह नहीं नज़र आएगा, फुल भरे हुए हैं। कोई इधर अगर हमारे पास चीज़ हो तो हम आपको उठा कर दिखा सकते हैं कि सीवरेज का हमारा क्या हाल है। जब बारिश पड़ती है तो सारी गली में पानी होता है। ठीक है, तो फिर कैसे आप जाते हैं, गुजरते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, नमाजी नमाज? हाँ जी, पानी के अंदर से ही, पानी के बीच में से ही। कोई सुनने वाला हो तो किसी को सुनाए ना। अच्छा। सुनने वाला तो है नहीं। उस वक्त आते हैं जब इलेक्शन होते हैं, उस वक्त सब आते हैं। अब इलेक्शन का टाइम निकल चुका है तो आपको ये हमारी बात ही नहीं सुनता। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ अरसे में, अभी नहीं कुछ अरसे में आपकी कोई बात सुनेगा? देखें जी, बात वो होती है जो सुनी जाए, अब नहीं सुनी जा रही, कुछ अरसे में क्या सुनी जाएगी। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप नुमाइंदे हैं हमारे, तो आप तावन करें हमारे साथ, तो हमारी आवाज़ आगे मुश्तरका दारों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, तो हमारी टीम आपकी आवाज़ आगे तक ही पहुंचाने के लिए आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या और परेशानी है यहाँ पर गैस बिजली के अलावा? सब परेशानियाँ ही हैं जी, परेशानी हिसाब की
सब तो पहले तो कारोबार की परेशानी है, दूसरी गैस की परेशानी है, तीसरी वो कारोबार नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, पूरा नहीं पड़ता, क्या करें, फेरी लगाते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, गुजारा करते हैं। कितना कमा लेते हैं आप एक दिन में? 600-700 रुपये। तो कैसे गैस के बिल भरते हैं, बिजली के बिल कैसे भर रहे होते हैं आप? कभी किसी से पकड़ ले, कभी किसी से पकड़ ले, फिर वो भी मांगते होंगे कि हमारे पैसे वापस। सारी गल है भाव, जिन्होंने देने हैं वो मांगते तो हैं, किसी से 1 किलो आटा ले लो वो भी मांगता है भी 150-150 रुपये। ओवरऑल महंगाई को भी देखा जाए तो इतनी महंगाई हो गई है, तो कैसे चला रहे हैं फिर आप घर, आपके घर में? ऐसे ही चल रहे हैं बस, कभी। हाँ जी, गली बताया इन्होंने कि पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है यहाँ पर, किस तरह गुजर के जा रहे होते हैं आप, क्या यहाँ पर हालात हो जाते हैं? बात तो वो वाली ठीक है, लेकिन वैसी आज तो पहले 6 महीने थी, महकमे ने गल की थी, उस बाद अभी गैस पाई है, पैप सारे पाए ने थे, पैप दबे गए ने, पैप दबन तो बाद हूँ 6 महीने 2 महीने हो गए ने, इन्होंने कलैक्शन नहीं उन्हें लगन दिते, है जी हूँ हुकूमत आई है वो साढ़े खिलाफ चल के ना उन्हें काम बंद कराते हैं, लेकिन हूँ वो करवा रहे हैं, लेकिन वो करवा कुछ नहीं रहे, देखो ना 6 महीने हो गए, हम गर्मियाँ या सर्दियाँ तो चलो गैस गई, लेकिन गर्मियों को भी गैस बंद कर दी है, और गैस बाकायदगी से, वो बिल बाकायदगी से आ रहा है। ये आदमी जो है ना, ये सारे रात को हमारे दफ्तर गए हैं, कई साल हमारा कोई कहो हम गैस मतलब लाओ हमको रोटी खाए, लेकिन रोजा महीने चलो जी मजबूरी हैगी सी, उदो भी असं उन्होंने गल की रोजा महीना आई है, उस तो बाद जो इलेक्शन हो गया MP है गया अभीत मलक, जो हूँ तक इतने आबादी के बच्चे आया ही नहीं है, किसी बंद उन्हें पूछा ही नहीं है यार, असं MP हो गए हैं साढ़े लागो खिदमत दसो, लेकिन असं भी अपनी खिदमत जी ने बरकरार रखी है। इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, बस कुदरती हो गया जो मसला हो गया, मलक भाई का जरा ना असं 4 पार्टियां हराइया इतों, 4 बंदे बड़े मामले असं हराते हैं, लेकिन वो मुकदर सू हो गया, लेकिन इस आवाम की खिदमत करे, इस आवाम ने पूछे आगे तुहाडे की मिसाल ने, तुहाडी गैस आउंदी है, तुहाडा पानी आउंदा गंदा आउंदा साफ आउंदा वे, तुहाडे सिरे दा की हाल है? मसाइल हल करने की तो दूर की बात है, पूछने तक कोई नहीं है, आए ही नहीं है, कितना देर हो गया इलेक्शन, 4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, इसे दोबारा नहीं आए। ठीक है नाज़रीन, मज़ीद कुछ और अहले इलाका से बात करेंगे, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद कुछ और अहले इलाका मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं यहाँ पर क्या मुश्किलात हैं बुनियादी तौर पर, कब कब इनके मसाइल आपको लगता है कि ये मसाइल हल हो जाएंगे, कौन आपकी सुनवाई के लिए आया, आप गए या वो लोग आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं, आपने पूरा इलाका विज़िट किया, सारे इलाके की सूरत हाल जो है आपके सामने है, आपने देखा कि पूरे इलाके में गैस की मुकम्मल बंदिश है, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही और लोग यहाँ पर शदीद परेशान हैं, लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए दीगर जगहों पर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और दीगर जगहों पर अपना एहतजाज किए और अपनी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाया, अपने इन्होंने काम अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने अपनी जदोजहद की, हक की आवाज़ को बुलंद किया और दीगर मुकम्मल इलाके में इस वक्त पाइपलाइन जो है गैस की वो मुकम्मल बिछ चुकी है, लेकिन इलेक्शन के दिनों में आवाम ने जिन जिन इलाकों में आवाम ने नून लीग को मुस्तर्द करते हुए दीगर पार्टियों को वोट दिया और उनको जितवाया, इस वक्त नून लीग जो है उनके काम रुकवा रही है, नून लीग अपना जोर लगा रही है, आवाम को उनका हक नहीं लेने दे रही, आवाम को उनके हक से दूर कर रही है और बिल्कुल गर्मियों की शदीद शिद्दत में आवाम ने गर्मी के इस मौसम में बाहर निकल के अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अपनी आवाज़ को उठाया और अपने हकूक़ की आवाज़ को बुलंद किया, आपने देखा कि मुकम्मल इस वक्त गर्मी शदीद है और पूरा इलाका इस वक्त पानी से भी महरूम है, गलियों में गंदा पानी खड़ा हुआ है, मुकम्मल यहाँ पे नलकों में भी गंदा पानी आ रहा है, लोगों ने बताया कि पीने के लिए भी साफ पानी यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल पानी पीने के लिए भी नहीं है, इनका गंदा पानी जो है नलकों के ज़रिए आ रहा है वही लोग ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गंदा पानी, अगर इसी तरह ये जो मामलात हैं इसी तरह चलते रहे तो इंशाल्लाह
ये आवाम जिस तरह पहले चुप करके नहीं बैठी थी इंशाल्लाह इसी तरह ये आवाम मुकम्मल सारी आवाम इंशाल्लाह अपना हकूक लेने के लिए इन इदारों का घेराव करेगी और इन राशि अफसरान और इस मामले के पीछे जो जो मुलव्वस है इंशाल्लाह उन सबको कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। ठीक है, आप गए हैं कम्प्लेन के लिए, कुछ मतलब इंतज़ामिया के लोग भी नहीं आए, इदारों में से किसी ने आपसे राबता करने की कोशिश की कि हम ये मुश्किल हल करेंगे या हम विज़िट करेंगे इलाके? देखें, आवाम ने अपनी जदोजहद की अल्हम्दुलिल्लाह, इदारे ने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, लेकिन इलेक्शन के बाद आवाम ने नून लीग को मुस्तरद करते हुए जिन पार्टियों को जितवाया, नून लीग उनके काम अब रुकवा रही है। आवाम जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकती है, अपनी आवाज़ को पहुंचा सकती है आगे तक। महकमे में जो राशि अफसरान बैठे हैं उन राशि अफसरान को निकाला जाए, वरना ये आवाम होगी और वही दफ्तर होंगे और दमादम मस्त कलंदर होगा। आप बताएं यहाँ पर मतलब इलाके के लोग जो हैं उनका यही कहना है कि हम आप लोगों के पास आते हैं अपनी मुश्किलात लेके, आप कोशिश करते हैं आगे तक पहुँचाने की और मसले हल करने की। आप जब आगे रابطہ करते हैं और बात करते हैं तो क्या आगे से आपको जवाब मिलता है या किस कदर मतलब ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और इनके हल नहीं निकल रहे हैं? मैडम, गुज़िश्ता 3 साल से यह इलाका जिद्दोजहद कर रहा है अपने मसाइल के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला गंदा पानी था, सीवरेज का गंदा पानी साफ़ पीने वाले पानी की जगह पे आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सुई गैस इस गर्मी के मौसम में भी नहीं आ रही, पूरे इलाके के अंदर नहीं आ रही। उस सुई गैस की बहाली के लिए ये हमारे वो एविडेंस हैं बाई नेम, ये सारी वो फाइल्स हैं जिनके ऊपर इस इलाके की सुई गैस की बहाली के लिए पूरे अहले इलाका ने बग़ैर किसी सियासी प्लेटफार्म के जिद्दोजहद की। जब पाइपलाइनों की मंजूरी हो गई, आज 7 माह हो गए हैं वो पाइपलाइनें डल रही हैं, अब आके नून लीग को होश आई है कि जनाब गवर्नमेंट तो हमारी है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स खड़े होकर वहाँ पे काम करवाएं। अब उन लोगों ने सारे मामलात को हाईजैक किया, जिसके बाद फिर काम उसी तरह रुक चुके हैं, फिर मामलात उसी जगह पर आ गए हैं। महकमा वासा के अफसरान का कहना है कि जनाब जब तक नून लीग का कोई बंदा हमें कंप्लेन नहीं करेगा, हम किसी आम कंप्लेनर की कंप्लेन करने नहीं आएंगे वहाँ पे। महकमा वासा के जो मुलाजमीन हैं उनका कहना है कि नून लीग के अलावा अगर कोई भी बंदा हमारे पास आएगा, जब तक नून लीग का बंदा सर पे नहीं खड़ा होगा हम उसके काम नहीं करवाएंगे। सेम इसी तरह सुई गैस वालों का भी कहना है कि हमारे ऊपर नून लीग का दबाव है, वापटा वालों का भी कहना हमारे ऊपर नून लीग का दबाव है। नून लीग ना होगी कोई हुकूमत होगी हमारे मुल्क के ऊपर, के लोग यहाँ पे जलील हो रहे हैं, दरबदर हो रहे हैं, और सिर्फ कसूर इनका ये है कि इन्होंने उन झूठे मैंडेट फॉर्म 47 वालों को वोट नहीं था दिया, सिर्फ इन लोगों का ये कसूर है जिसकी वजह से ये आप हालात देख रहे हैं इलाकों में। ठीक है, मतलब यहाँ के जो काउंसलर थे या यहाँ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने कभी इलाके को आके चेक नहीं किया जीतने के बाद से? कभी भी नहीं, पिछले 5 साल में भी यहाँ का जो MP है इस वक्त भी जीता हुआ है, पूरे 5 साल इस इलाके में एक दफ़ा भी नहीं आया। अब भी जिस दिन के इलेक्शन हुए हैं उस दिन के बाद हुए काम रुकवाए जा रहे हैं, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई तरक्याती काम एक सुई तक भी इस इलाके के अंदर नहीं लगा। कौन यहाँ पर MPA थे जो कामयाब हुए? मलक वहीद 2018 के अंदर भी यहाँ से MPA मुंतखब हुए, इस दफ़ा भी मलक वहीद यहाँ से MPA मुंतखब हुआ, लेकिन उसके बावजूद बाकी इलाकों के अंदर डेवलपमेंट के काम जारी हैं, लेकिन ये मखसूस कलंदरपुरे के साथ ये रवैया रखा जा रहा है कि यहाँ पे किसी किस्म के तरक्याती बजट कुछ भी नहीं लाया जा रहा। और बताएं आप यहाँ पर मुश्किलात तो हमने देख चुके हैं, क्या निज़ाम है? हमारे तो ये देख लेंगे ये गलियाँ सारियाँ जितने तकरीबन 6 महीने का साल होने लगा ये पानी बंद है, दूसरा गंदा पानी आता सरकारी नलकों में भी, तो ये हम तो इनकी मिनते करते आते तस्वीरें लेके चले जाते दोबारा नहीं आते। हाँ जी, हम यहाँ के कलंदरपुरा रहशी हैं शुरू के, हमारे से ये कलंदरपुरा बना है। ठीक है, कितनी बार आके वो चेक करके जा चुके हैं? इसके अलावा गैस का मसला बताया अहले इलाका ने, 3-4 जो उस वक्त भी आए थे फोटो ला के ले गए, वो गाड़ियाँ आई हैं वो पानी निकाले, उसके बाद फिर ये भर गए, यहाँ से आना जाना हमारा बहुत। तो ये इतनी बदबू यहाँ पर है, इतनी गंदगी फैली हुई है अपने आँखों के सामने, आप किस तरह यहाँ से चलते फिरते हैं, किस तरह ये गली से गुजरते हैं? वजह आपके सामने है, जो भी है तुम आपके सामने ही, आप आँखों से देख रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इन लोगों ने ईंटें रख के एक मुतबादल रास्ता बनाया हुआ है, बच्चे यहीं से पढ़ने जाते हैं, जो नमाजी हैं यहीं से नमाज पढ़ने जाते हैं, और जो लोग हैं यहीं से ही अपने मतलब कामों पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, क्या हालात हैं? पानी कितना है, बच्चे नमाजी साढ़े बच्चे इतना हो जाते हैं, पानी गंदा आता सी की करिए हैं, बोट तो बहुत तंग है, हम बड़े मजबूर हैं, साढ़े बच्चे नमाजी साढ़े बंदे नमाजी तो बहुत तंग है, पानी भी गंदा आंदा,
हफ्ता पानी से इन्ना इन्ना हो जाता अस बड़े मजबूर है क्या तो साड़ी कोई सुनता नहीं पाया समान है समान है वह नहीं टुरद उस महल नमांझी आते हैं और नमांझी है तो इन्हें इन्हें मकसद सलवार उत्ते करके नमाज पढ़न जाते हैं महीना हो गया दो महीने हो गए ने पानी भरा है महीना हो गया महीना हो गया महीना दो महीने हो गए गटरों का पानी हाँ जी गटरों का पानी तो इन्हें तो असं बड़े आवाज आ रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी सानू सही कर दो अरसे हो गए ये सीवरेज जो है यहाँ पर ये भरे जल्दी हो तो सानू ये कर दो बड़ी मेहरबानी ने गलियों नहीं बनाता कोड़ू अदरे लो आ गंद में बैठा हमी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब ये खवातीन की बड़ी यहाँ पर तादाद मौजूद है वोट दे दो वो ते ऐसी गलियां बना दे वोट दे दो गलियां बना दे ते वोट ले लेंदे ने ते गलियां बना दे कोई नहीं कब से गली नहीं बनी हाँ वाले को वोट वाले ने बेचारे ने बड़ी कोशिश की सानू गैस दे घर चीज को पानी दी बड़ी तंगी हो गई पानी पीन दो बड़ी तंगी हो गई तो बड़ा वक्त गटर दा पानी गंदा आला थे गंदा पानी आंदा ओई पे सानू तंगी है ना नमाजी साडे बंदे बच्चे पढ़न तो बड़े तंग पड़े जब पीने का पानी गंदा आता है तो कहाँ से लाते हैं पानी पानी भी बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है और ये देखिए कितना पानी कितना गंदा हमने हमसे वोट ले ली उन्होंने गलियां नहीं बनाई तो केवा दे नहीं भाई जी अरे जिन्नी भी जल्दी आवे तुम्हारी बड़ी मेहरबानी सानू गलियां बना दो केंज बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते ने और फिर उन्होंने कपड़े पलीत एक एक जी भाई बोले वासा की तरफ हम तीन चार मरतबा गए हैं दरख्वास्त लिखाने के लिए वो लिख लेते हैं लेकिन एक बार भी नहीं आए ये तमाम जितना पानी खड़ा हो जाता है सारे दुकानदार नमाजी इधर से गुजरते हैं इतनी परेशानी होते और ये गटर में गटर के ढक्कन यहाँ बच्चे गिर जाते हैं पानी में ये देखें बच्चे कैसे गिर पानी में जा रहे हैं इतनी की परेशानी है कि खुदारा कोई वासा वाला को कोई समझाएगा इधर हम भी इस मोहल्ले में रहते हैं पानी का बिल पूरा मोहल्ला जमा कराता है लेकिन वो सुनते ही नहीं इधर आके वो बाहर बाहर गाड़ी है अभी साफ पानी नहीं है पाला साफ नहीं आ रहा पीने का पानी भी साफ नहीं आ रहा मैं क्या आकड़े का आकड़े बीमारियां सारे बच्चों को निकल आ रही मैं खुद देख सकती हूँ गली में इतनी बदबू है मक्खी और नाल आकड़े का आकड़े निकल आए बच्चे कितनी की दवाई लाई जाती है बच्चा पूरा टबर टबर बीमार हो गया ये बताएं मतलब ये गंदा पानी खड़ा हुआ है इसके अलावा और बाकी पानी के अलावा गैस वगैरह आती है गैस वैसे से ही आती है गैस भी आ जाती है गैस भी नहीं आती है गैस भी नहीं आती है गैस नहीं आती है जब रोटियां का टाइम होता उदो गैस नहीं आती है जब बच्चे स्कूल की करिए नहीं आती शाम का टाइम हो गैस नहीं आती है जी यहाँ पर मजीद कुछ और सामने ये मस्जिद का दरवाजा है उधर मस्जिद है ना तमाम नमाजी जाते हैं जितने इस तरह आप गुजर के जाते हैं हाँ जी ये पाने ऐसे जाते हैं हम तो मोहल्ले वाले हैं गंदी छीटे कपड़ों में हाँ जी ये देख लो हमारे ये देखो वासा वाला का कोई है कोई अल्लाह का नेक बंदा कोई हो को वासा वालों को इधर लाए आके इस मोहल्ले में उसको कह के उसके बच्चे यहाँ से गुजरे उसकी बीवी यहाँ से गुजरे वो इधर से खुद नमाज पढ़ने के लिए जाए उसे पता चले कि इधर क्या हाल है हाँ जी उनको वो बिल पानी के बिल भेज देते हैं हर महीने भेज देते हैं पानी के बिल जमा हो रहे हैं दो तीन बार करके गए हैं हाँ जी कैसे ठीक है माँ जी क्या मुश्किलात हैं मतलब गंदगी तो हमने देख ली इसके अलावा क्या मुश्किलात मैं मदरसे में बच्चे पढ़ाती हूँ तो वो बच्चे बहुत तंग होते हैं तो वो देखो बच्चे पलने के लिए आते सारे बच्चे पलीत हो जाते हैं मदरसे में तो वह मैंने पढ़ाती नहीं पुराने पाक हाथ में पकड़ के गुजरना होता है हाँ जी तो मैं मदरसा मेरे पास है वो बच्चे आते हैं तो वो बच्चे सारे ख़राब हो जाते हैं तो मैं बहुत परेशान मेरा घर इधर है तो आपकी मोर मेहरबानी है ये सही करना कैसे भाजी पता की है आ देखो ना तुम खिलौते हो इतों नमाज पढ़े जाने किन्ने कपड़े बदीर होने इतों नहीं लोग करना चाहिए साढ़े को वोट तो लै ली तो साढ़े नाल इन्ना जलीम कर वोट साढ़े को लै ली तू हमारा भाई है तुम्हारी भैन है वोट दे दौ वोट लै ले वोट ले ले बाद कम आ देखो की हाल गरीब आदमी ना 2600 रुपया बिल 2600 2700 एक महीने का पानी नहीं आ रहा पानी का बिल इतना है हाँ जी
और गैस का बिल कितना है आपको? 1500-1600 रुपया। देखो गल तो नहीं है। ठीक है, क्या पैगाम देना चाहती हैं आप हुकूमत को? दिहाड़ी दपे वाले अगे ने अभी रख रही गैस ते इना बिल दे देंदे दिहाड़ी दपे वाले किस तरह इना बिल तार देने। रमजान के महीने में कैसे गुजारा किया जब गैस नहीं? रमजान बड़े मुश्किल से साडा निकले है। नाज़िर हम इस वक्त कलंदरपुरा में मौजूद है। क़यामत दे दिन उन्हां दी बख्शीश नहीं होनी जेड़ा कोई गरीब दे नाल ज़ुल्म करेगा। एक बंदा सिर ते छापड़ी ला के गली गली फिरदा ऐ ओदे बूए अगे है आ देखो ते सही ना इत्थों दी नमाज़ी जान के की कहणगे कि यार लख दी लानत ओनू वोट दित्ते ने बेचारा किस तरह जाए। ठीक है नाज़रीन, हम इस वक्त कलंदरपुरा में मौजूद थे, हमने अहले इलाका की मुश्किलात जानी है। इनका यही कहना है कि यहाँ पर पीने के लिए साफ पानी नहीं है, गैस और बिजली के बिल आते हैं लेकिन गैस और बिजली नहीं आती। यहाँ पर आपने देखा कि गलियाँ कैसे टूटी फूटी हुई हैं, यहाँ पर आप लटकती हुई तारें भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप सीवरेज का निज़ाम भी देख सकते हैं कि कैसे निज़ाम दरहम बरहम है। अहले इलाका का यही कहना है, इनकी यही अपील है कि इनकी मुश्किलात हल की जाएँ और इनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।